नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास पर स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है, बिहार सचिवालय सहायक रिजल्ट। आखिर ऐसा नोटिस क्यों आया विभाग के तरफ से, रिजल्ट डेट घोषित हुआ, कितना रहा इस बार का कट ऑफ, जल्दी जल्दी रिजल्ट देखो। तो दोस्तों अभी बिहार सचिवालय सहायक पीटी रिजल्ट के रिगार्डिंग जो विभाग की तरफ से नोटिस आया, इस वीडियो में डाउनलोड करके बताने वाले, इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए जो बिहार सचिवालय पीटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और नोटिस जो आया है उसके नोटिस डाउनलोड करके इस वीडियो में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का यह नोटिस आया है, देख लीजिए, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के प्रावधान 1368 दिनांक 5/3/2023 द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 2022 से संबंधित गोपनीय कार्य के निष्पादन हेतु स्वच्छ सभी के बिहार सचिवालय सेवा के 3 अपर सचिव तथा 12 प्रशाखा पदाधिकारियों को दिनांक 15/3/2023 से 13/4/2023 तक के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको भी पता है बिहार कर्मचारी चयन आयोग में स्टाफ की कमी है, भारी कमी है, स्टाफ की कमी है, इसीलिए देख लीजिए जब 12 पदाधिकारियों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस में नियुक्त किया गया है और 3 देख लीजिए अपर सचिव को भी नियुक्त किया गया है कि जल्द से जल्द जो है 5 तारीख को जो एग्जाम है उसी दिन यह नोटिस जारी किया गया था। देख लीजिए 14/3/2023 का यह नोटिस है, जिसमें आगे देख लीजिए, आगे हम बताएंगे कौन कौन पदाधिकारी है, क्योंकि आपको भी पता है बिहार कर्मचारी चयन आयोग में बहुत स्टाफ की कमी है, अधिक स्टाफ है ही नहीं, क्योंकि वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, आपको भी पता है पेपर लीक के मामला, फिर से एग्जाम लिया है, उसके बाद उसका रिजल्ट जारी करना है, समय से फिर मेंस का एग्जाम लेना है। चलिए आगे हम पढ़ के दिखाते हैं आपको, तो इसको देख लीजिए 13/4/2023 तक के लिए नियुक्त किया है, चलिए सबका नाम है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा में क्या आया है, सो आगे देख लीजिए दोस्तों, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित सहायकों को विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक संयुक्त तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से संबंधित कार्य हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में दिनांक 15/3/2023 देख लीजिए से 13/4/2023 के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। इसको तो हम पहली बता दिए हैं, उसके बाद आगे चलिए आगे बताते हैं। पहली बता दिए हैं जो स्टाफ की कमी है, भारी कमी है, रिजल्ट समय से देना है, इसीलिए इतना स्टाफ को देख लीजिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग में ऑफिस में नियुक्त किया है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, तो आपके मन में एकाएक सवाल आ गया होगा, जो दोस्तों देख लीजिए आपके मन में, सर तब तो 13 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो दोस्तों यह संभावित डेट है 13 अप्रैल को रिजल्ट आने का, देख लीजिए, क्योंकि 13 अप्रैल तक ही निर्धारित किया गया था, 13 अप्रैल तक ही इतना ही के लिए उसको ड्यूटी लगाया गया था, ताकि समय से एग्जाम ले, 5 मार्च का जो एग्जाम हुआ पीटी का रिजल्ट दे, उसके बाद मेंस का है एग्जाम भी लेना है, उसका भी रिजल्ट देना, इस साल हर हाल में ज्वाइनिंग भी ले लेना है। तो दोस्तों देख लीजिए, तो यह एक पूरा तो नहीं कर सकते हैं, कन्फर्म डेट नहीं कर सकते हैं, जो आपका पहली बता दी अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में बिहार सचिवालय पीटी का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि देख लीजिए यह आप लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के साइट पर आप यह लेटर मिल जाएगा और एक बार इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हम आपको लिंक दे दिए, वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि यह एक पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे 30 से 31 मार्च तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हर हाल में आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट आपको जारी किया जाएगा, क्योंकि जो भी पदाधिकारी 12 पदाधिकारी को इसमें नियुक्त किया है तो 13/4 तक नियुक्त किया है, क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग में बहुत स्टाफ की कमी है, इसीलिए देख लीजिए इतना ही दिन के लिए इसको नियुक्त किया गया है, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में बिहार सचिवालय पीटी रिजल्ट आपको आ जाएगा, जो कि देख लीजिए विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया है, लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, विभाग के साइट पर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी देने वाले थे वो हम आपको दे चुके हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, क्योंकि
बिहार सचिवालय से पल पल का अपडेट इस चैनल पर हम देते रहते हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आता है वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपके मन में कोई भी बिहार सचिवालय है पीटी और मेन से रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में सवाल है तो बेहिचक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।